नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साकी पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ हमारा स्पर्श का पहला पाठ है। इस पाठ के कवि हैं कबीरदास। साक्ष्य शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। इस पाठ की पहली साकी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, ओरन को शीतल करे आपों शीतल हो। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बातें, ऐसे वचन कहने चाहिए जो किसी भी प्रकार के घमंड से भरे हुए ना हो। मन का आपा खोने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी बातों में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं आने दें, क्योंकि घमंड आते ही बातें कड़वी हो जाती है। तो ऐसी वाणी बोलें जिसमें किसी भी प्रकार का घमंड ना हो। और जो जब हम ऐसी बात बोले हैं, ऐसी वाणी बोले हैं, तो वो वाणी, वो बातें औरों को भी खुशी प्रदान करेगी और अपन खुद को भी, अपने आप को भी खुशी प्रदान करेगी। मतलब मीठी वाणी बोलने से क्या होता है, और सुनने वाले भी खुश होते हैं और हम भी मीठी बात कह करके प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहुँ शीतल होई। अच्छी वाणी बोलोगे, मधुर वाणी बोलोगे तो और भी खुश होंगे और हम खुद भी प्रसन्न रहेंगे। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नहीं। राम यानी ईश्वर कहाँ पर और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, यहाँ पर कुंडली का मतलब है नाभि में, लेकिन हिरण उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकता रहता है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, ऐसा कहा जाता है कि वह हिरण की नाभि में निवास करता है, हिरण की नाभि में रहता है, विद्यमान रहता है, लेकिन हिरण उसे पहचानता नहीं है। वह उसकी सुगंध से प्रभावित होकर के पूरे जंगल में उसे ढूंढता रहता है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलती। मिले तो कैसे मिले, क्योंकि वो तो उसकी नाभि में ही है। उसी प्रकार से मनुष्य भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काबा, काशी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अनेक प्रकार के देवालयों में भटकता रहता है, लेकिन वह उसे अपने भीतर नहीं ढूंढता, क्योंकि ईश्वर तो अपने भीतर ही विद्यमान है। तो यहाँ पर कबीर ने यह बताया है कि जैसे गट गट राम है, घट का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर विराजमान है, हमें ईश्वर को अपने हृदय में ही ढूंढना चाहिए। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पर मैं का मतलब है अहंकार। जब व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है तब उसे कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं दिखाई देता। तो जहाँ तक व्यक्ति के मन में, हृदय व्यक्ति के हृदय में घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, वहाँ तक उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रसन्न और स्वच्छ शुद्ध साफ दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक कि ईश्वर भी। तो ईश्वर को प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त यह है कि हमें हमारे मन के भीतर के अहंकार को दूर करना है, और जब मन का अहंकार दूर हो जाएगा तो मन का अंधेरा, अज्ञान, माया, मोह, काम, क्रोध सब मिट जाएंगे, और उसके बाद फिर हमें ईश्वर का प्रकाश हमारे अंतरतम में, हमारे हृदय में दिखाई देगा। चौथी जो इसकी साखी है वह यह है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। कबीर दास कहते हैं कि पूरा संसार सुखी है, क्योंकि संसार ने तो सुखी रहने की परिभाषा यही समझ रखी है कि केवल खाने और सोने में ही सुख है, लेकिन कबीर दास दुखी इसलिए है क्योंकि उन्हें चिंता है कि मुझे ईश्वर को कैसे प्राप्त करना। इसलिए कबीर ईश्वर की चिंता में दिन रात
लगे रहते हैं, भजन करते रहते हैं, जागते रहते हैं और ईश्वर के वियोग में रोते भी रहते हैं। पांचवा जो इसका दुआ है वह यह है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्रण लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इस साखी में बताया है कि जो व्यक्ति भगवान से बिछुड़ जाता है वह व्यक्ति उसी प्रकार से हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, फिर उसका कोई मंत्र कोई उपाय दुनिया की कोई दवा काम नहीं करती है। वह राम वियोगी भगवान से बिछुड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी हालत में या तो जीवित ही नहीं रहता है, और जीवित रहता है तो दुनिया के लोग उसे पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि वह भगवान की भक्ति करता रहता है। अगला दोहा है इसका, निंदक नेड़ा राखी है आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। हमें ऐसे व्यक्तियों को जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, हमारे पास रखना चाहिए, हमें उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर, हम जहाँ भी रहें उनका सम्मान करें, उन्हें अपने पास रखें, क्योंकि वे हमारी आलोचना को, हमारी कमियों को बताएंगे, और हम एक एक कमी को दूर करेंगे तो हम हमारे मन से, हमारे भीतर से स्वच्छ हो जाएंगे, यानी हमारी कमियाँ, हमारी गलतियाँ दूर होगी, और इस प्रकार हम बिना पानी और बिना साबुन के ही स्वच्छ हो जाएंगे। अगली साखी है, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान कोई, डाई आकर पीऊ का पढ़े सो पंडित होए। पढ़ाई सब करते हैं, दुनिया में अनेक पंडित हुए, अनेक विद्वान हुए हैं, लेकिन उन्होंने डाई अक्षर भी ढंग से नहीं पढ़ा है। यदि वे प्रेम का, प्रियतम का डाई अक्षर पढ़ लेते, उसका भाव, उसका मीनिंग समझ लेते तो निश्चित रूप से वो पंडित हो जाते, समझदार हो जाते, ज्ञानी हो जाते, लेकिन उन्होंने तो केवल प्रेम शब्द को भी ढंग से नहीं पढ़ा। और वह ये कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किताबें पढ़ने से सामाजिक और व्यावहारिक ज्ञान नहीं आता है। अगला दोहा है, हम घर जाड़ा अपना लिया मुरड़ा हाथ, अब घर जाड़ो दास का जे चले हमारे साथ। हमने मसाल ले लिए, भक्ति की मसाल, मुराड़ा यानी मसाल, हमारे हाथ में मसाल ले ली है, और हम मसाल लेकर के, मुराड़ा लेकर के, मसाल लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, जन जागृति के रास्ते पर आगे बढ़े हैं, हम सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, तो हमने इस वजह से हमारे परिवार पर, हमारे घर पर हम ध्यान नहीं दे पाए हैं। जो इस जन जागरण में, इस ईश्वर भक्ति में हमारे साथ चलेगा, उनका भी इस प्रकार का ही हाल होगा। यानी अब उनका नंबर है जो हमारे साथ चलेंगे, उनका हालत भी हमारी तरह ही होगा। इस प्रकार ये कबीर की साखियाँ हैं, कबीर की साखियों के भाव मैंने बताए हैं, इनसे संबंधित इसके पीछे प्रश्न हैं, वो आपको अपनी पुस्तिका में, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा है आप इस साखियों को समझेंगे, पढ़ेंगे और भाव को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।